लेकिन हमारा संविधान सभा में 94-95% पीपल वेयर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, हिंदू थे और सबका स्टेट में कम्युनियल क्लैशेज हुआ था. एवरीबॉडी हैज सीन द डेड बॉडीज ऑफ हिंदू. ओ पेन, ओ एगोनी लेके दे वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फिर भी वो लोग हिंदू थे, इसीलिए वो लोग इमोशन में नहीं आया. एंड दे हैव डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल बी अ सेकुलर नेशन. इंडिया हिंदू प्रधान देश नहीं बनेगा, भारत एक सेकुलर नेशन होगा. कैन यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनी पीपल एक्सेप्ट हिंदू? अगर आज एक सभा में 100 क्रिश्चियन लोग बैठ जाएगा, एक सभा में 100 मुसलमान लोग बैठ जाएगा, उनका गाज होगा कि हमारे देश को एक भूखंड मिला और देश में 100 मुसलमान लोग बैठेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. कैन दे हैव ए गाज टू से दैट दिस नेशन विल बी अ सेकुलर नेशन? इतना ताकत मुसलमान में नहीं है, वो लोग सीधा इसको इस्लामिक कंट्री बना देगा. क्रिश्चियन में भी नहीं है इतना ताकत, वो सीधा क्रिश्चियन प्रदेश बना देगा. वो ताकत खाली हिंदुओं का है कि हमारा बहुमत होने का बाद भी, इंस्पाइट ऑफ वी हैव ऑल द पावर्स, हमारे पास सब कुछ है. ये हॉल में 100 लोगों का 95 हिंदू है, मैं सब कुछ कर सकता हूं. फिर भी मैं अपना सिविलाइजेशन को नहीं भूल सकता हूं. मेरा सिविलाइजेशन मुझको बताता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सो आई कैनॉट डेविएट फ्रॉम देम. लेकिन हमारा संविधान सभा में 94-95% पीपल वेयर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, हिंदू थे और सबका स्टेट में कम्युनियल क्लैशेज हुआ था. एवरीबॉडी हैज सीन द डेड बॉडीज ऑफ हिंदू. ओ पेन, ओ एगोनी लेके दे वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फिर भी वो लोग हिंदू थे, इसीलिए वो लोग इमोशन में नहीं आया. एंड दे हैव डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल बी अ सेकुलर नेशन. इंडिया हिंदू प्रधान देश नहीं बनेगा, भारत एक सेकुलर नेशन होगा. कैन यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनी पीपल एक्सेप्ट हिंदू? अगर आज एक सभा में 100 क्रिश्चियन लोग बैठ जाएगा, एक सभा में 100 मुसलमान लोग बैठ जाएगा, उनका गाज होगा कि हमारे देश को एक भूखंड मिला और देश में 100 मुसलमान लोग बैठेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. कैन दे हैव ए गाज टू से दैट दिस नेशन विल बी अ सेकुलर नेशन? इतना ताकत मुसलमान में नहीं है, वो लोग सीधा इसको इस्लामिक कंट्री बना देगा. क्रिश्चियन में भी नहीं है इतना ताकत, वो सीधा क्रिश्चियन प्रदेश बना देगा. वो ताकत खाली हिंदुओं का है कि हमारा बहुमत होने का बाद भी, इंस्पाइट ऑफ वी हैव ऑल द पावर्स, हमारे पास सब कुछ है. ये हॉल में 100 लोगों का 95 हिंदू है, मैं सब कुछ कर सकता हूं. फिर भी मैं अपना सिविलाइजेशन को नहीं भूल सकता हूं. मेरा सिविलाइजेशन मुझको बताता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सो आई कैनॉट डेविएट फ्रॉम देम.